तुम लोगों के पास अभी दो एग्रेसिव डॉग्स आ रहे हुए हैं ना, एक तो स्किन इन्फेक्शन वाला पपी है शायद, जी पपी, वो अंदर है छोटा सा, हाँ, उससे मिल सकते। एक्चुअली उससे पहले मुझे बताओ, एक जो जिसके माउथ में मैगेट वुंड है, वो हमने बनखंडी से रेस्क्यू किया था। हालांकि एरिया बहुत दूर का है, जिन्होंने हमें इन्फॉर्म किया वो दो ही दिन के लिए उस एरिया में थे, उन्होंने काफी मदद की। डॉग को रूम में भी बंद करके रखा हुआ था और हमने इसलिए लिया क्योंकि उसकी स्थिति बहुत खराब थी। उसके माउथ के दोनों साइड में काफी बड़ा मैगेट वुंड था, स्वेलिंग थी अंदर। हाँ जी, अंदर की तरफ। तो अंदर कैसे मैगेट वुंड हो जाता है? सर डॉग बाइट में शायद अंदर चोट लग गई हो, और ये जो लिप वाला एरिया होता है साइड में, अगर वहाँ मैगेट लग गया होगा तो बढ़ते बढ़ते वो इतना बढ़ गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये डॉग अग्रेसिव है, इसको आप मजल नहीं कर सकते क्योंकि भाई माउथ में ट्रीटमेंट करना है। तो इसका किया कैसे आपने? फर्स्ट टू डेज तो हमने बहुत उसको लीश वगैरह लेके और माउथ में पीछे की तरफ गॉज लगा के ना, पीछे एकदम पीछे वाले एरिया में, क्योंकि आगे के हिस्से में तो पीछे थोड़ा सा वो करके, और सेकेंड टाइम जब पूरा मैगेट क्लीन करना था तब हमने उसको सिडेट किया था, और उसके बाद से हम उसको टैबलेट्स पे रख रहे हैं। और अभी तो देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा अगर स्प्रे हो जाए साइड में, तो माउथ में हम स्प्रे कर सकते हैं साइड में ना सर, अंदर नहीं है माउथ के। तो मुझे एक बात, आपने पहले ही उसको सिडेट क्यों नहीं किया? फर्स्ट डे में ना हमने देखा था तो उसकी कंडीशन मुझे ठीक नहीं लग रही थी जब वो पहले आया था ना, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। हाँ, क्योंकि हमें नहीं पता उसका कैसा रहा है, कोई था नहीं वहाँ देखने वाला भी नहीं था कोई उसको। आई थिंक अगर मैं मोटी भाषा में कहूँ तो एनेस्थीसिया देना या सिडेट करना इज लाइक जैसे एक टेम्परेरी डेथ है, वो बॉडी पे बड़ा ही हार्ड होता है। तो अगर कोई डॉग वीक है, कोई भी एनिमल वीक है, उसको हम सिडेट करें तो चांसेस होते हैं कि वो कोलैप्स कर जाए, जगह ही ना, कोलैप्स कर जाए पढ़ी लिखी भाषा में। एक यहाँ पे जो अभी अभी मैं आया तो वो डॉग जो है वो दो पैर पे आगे चल रही थी, उसको हमने चड़ी से रेस्क्यू किया। उसके पीछे वाले पैर में, एक पैर में फ्रैक्चर है लेकिन दूसरे पैर में उसको, मेरे को वो टर्म याद नहीं है सर, बता देंगे सर? उसको डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज है, सिंपल भाषा में ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस है। सिंपल भाषा में एक ऐसा है कुछ जो मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता, मतलब हड्डियों का उसको कुछ ऐसा है जो आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस है वो तो हिप जॉइंट पे दोनों में ही है, और एक में नेक का फ्रैक्चर है, फीमर बोन, फीमर की नेक का। ये आप बताएंगे सर, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हेड होता है कॉन्डाइल, उस पे और जो नीचे उसकी बॉडी का जो जॉइंट कनेक्शन है वहाँ पे है। तो इसमें ठीक कौन सी टांग हो जाएगी? जो फ्रैक्चर वाली है वो ठीक हो जाएगी, पर उसके लिए भी हम वेट करेंगे क्योंकि इसकी प्लेटलेट्स वगैरह डाउन थे। तो इसका जो दूसरा, जो आपने कहा कि टांग की जो ऊपर वाला हिस्सा है फीमर, उसका नेक में प्रॉब्लम है, उसको जोड़ेंगे कैसे? प्लेट से, पिन से, या अपने आप? नहीं, उसको पिनिंग ही करनी पड़ेगी। ये जो हॉर्स कल आया है इसके भी पीछे वाली टांग में ऊपर को ही है ना, तो इसमें डिस्टल फीमर में फ्रैक्चर है। आप दिखा के बता पाएंगे? ये लात तो नहीं मार सकता हमें? नहीं, बहुत ही सूजन है इसको, तो सूजन है। उसकी हालत देखो, उसकी हड्डियाँ एक एक रिब तो आप गिन पा रहे हो। इसकी नीचे वाले हिस्से में फ्रैक्चर है, डिस्टल में, मतलब ये प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल है। तो डिस्टल आप बिना एक्सरे के कैसे बता पा रहे हैं? मतलब उस दिन टांग हिला के दिखा था तो क्रेपिटेटिंग साउंड फील हो जा रही थी आराम से। बेसिकली क्योंकि ये वेट स्कूल गए हैं, है ना, तो हम लोग जो खुद ही इलाज करने में लगे रहते हैं ना, वो लास्ट डिच अटेम्प्ट हमारा होना चाहिए। अगर हमें कोई एनिमल मिलता है इन डिस्ट्रेस, हमें वेटनरी एडवाइस लेनी चाहिए, नहीं तो हो सकता है हम सिचुएशन को और ख़राब कर दें। मैंने तो सुना है कि घोड़ों के पैर जैसे टूट जाते हैं तो ठीक होने के चांस ना के बराबर होते हैं। जैसे ओपन वुंड हो जाए तो इन्फेक्शन फैलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो नहीं, हड्डी जुड़ जाती है इनकी? जुड़ तो जाती है, पर टाइम लगेगी खुद अपने आप जुड़ने में, अपने आप कैलस बनने में टाइम लगता है। तो तब तक ये पेन में रहेगा? पेन मैनेजमेंट हमें फिर जैसे ट्वाइस अ डे तो करनी ही पड़ेगी एटलीस्ट। तो हम तीन बार ही नहीं कर सकते, हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब इसको पेन हो ही ना? कर सकते हैं, मान लेते हैं कि जैसे इसकी टांग ठीक हो जाती है पर ये इस पे लोड नहीं ले पाता, जैसे चिंगारी है वो पीछे वाले पैर पे नहीं ले पाती, यही प्रॉब्लम इसके आगे वाले पैर पे होती तो वो ज़्यादा दिक्कत होती क्योंकि इनका सारा वज़न आगे होता है, तो फिर वो एक कंधे पे होता है, इसको हमेशा परमानेंट दर्द रहता। तो उस केस में पुट डाउन करना बेटर ऑप्शन होता? डिपेंड करता है ना कि एनिमल कितना सफ़र कर रहा है। डॉक्टर हिमांशु ऑफ कोर्स उन्होंने वेटनरी ओथ ली है, वो एनिमल्स को बचाना चाहते हैं। मेरा हमेशा होता है कि भाई हम पेन में अननेसेसरी ना रखें, ये हमारा आइडियोलॉजिकल एक डिफरेंस रहता ही है। अभी जब झोला गया है उसकी जगह तुम एक और जीएसडी ले आए हो ना? जीएसडी अंदर वाले साइड में सोया हुआ है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको टिक फीवर भी है अभी, और ऑलरेडी जिस चीज़ के लिए वो यहाँ आया था, जो उसके पीछे वाले हिस्से में बैक एरिया में एक बहुत डीप मैगेट वुंड है, बहुत बड़ा, और वो बहुत डिहाइड्रेटेड था, डॉग बाइट की वजह से मैगेट वुंड हुआ होगा। उसके ओनर्स ने तो उसको, गुरु बता रहा था मुझे कि ये जिनका है उन्होंने तो मतलब भाग गया, परवाह ही नहीं करी। हाँ। और फिर
ये पड़ोसी है जो बाहर ही भटकता था ये, तो वो पहले भी इसको लिवर डैमेज भी है ना हल्का, उसका ट्रीटमेंट भी उनके पड़ोसी ने पहले कराया। इस बार जब वो लौटा अपने काम से तब वो डॉग के बारे में पूछने गया तो 4-5 दिन से वो लापता था, तो डॉग बाइट हुआ होगा इसको बाहर, और इसकी कंडीशन ही नहीं थी कि उठ के वापस अपने एरिया जा पाए। ये इसीलिए मुझे नहीं सही लगता जो लोग शौकिया डॉग्स खरीद लेते हैं या पपीज गिफ्ट दे देते हैं या बच्चे को कुत्ता चाहिए तो चलो ले आओ, और फिर बाद में वो कुत्ते रुलते रहते हैं। खैर ये ठीक हो जाएगा तो आई गेस अडॉप्ट हो जाएगा। ठीक होने के भी चांसेस मुझे तो उतने नहीं लग रहे हैं क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर हिमांशु अभी फ्री होते हैं तो हम डॉक्टर हिमांशु, मुझे तो मुश्किल लग रहा है सर उसकी कंडीशन देख के। जब तक डॉक्टर हिमांशु आते हैं मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता था कि टिक फीवर के अगेंस्ट वैक्सीन आती है, पर टिक फीवर का सिर्फ एक वही है कि भाई आप अपने डॉग्स को टिक्स ना पड़ने दें, जिसके लिए आई थिंक इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें। हाँ, और क्लीनिंग उसकी ब्रशिंग करते रहें लगातार, ग्रूमिंग होती रहेगी तो टिक्स निकलते रहेंगे। सर इसका प्रोग्नोसिस नहीं अच्छा अभी तो अच्छा नहीं है क्योंकि सर इसका हीमोग्लोबिन 4.1 है इसका, प्लेटलेट्स भी काफ़ी लो हैं और इसको ल्यूकोप में तो वाइट ब्लड सेल्स इसके कम है। लेकिन जैसे अभी हमने उस डॉग की बात करी जो दो पैर पे चलती है, आपने कहा कि उसका 21 दिन का ट्रीटमेंट है वो टिक फीवर उसका हो जाएगा, तो उसके लिए तो आप थोड़ा होपफुल हो, इसके लिए क्यों नहीं? क्योंकि एच पी भी काफ़ी लो है ना इसका, उसका एच पी उतना लो नहीं था, उसका प्लेटलेट्स ज़्यादा लो थे। और प्लेटलेट्स के लिए ही वो हम जो पपीते के पत्ते का जूस बनाते हैं, पर जो हम इनको प्लेटोप्लस भी देते हैं उसमें भी पपाया एक्सट्रैक्ट रहता है। ये जो बिच्छूवटी का सूप वगैरह नहीं दे सकते हम इनको हीमोग्लोबिन के लिए, जैसे प्रेग्नेंट वेमेन को देते थे पहले ज़माने में, आप चेक कर सकते हैं। मे भी आप लोग भी एक बार गूगल करके देखिएगा कि ऐसा है क्या। होता तो अच्छा है वो, गर्मी भी निकालता है, पर डॉग्स में देख लेंगे कि डॉग्स में। हाँ ये बड़ी ज़रूरी बात है, ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हमारे लिए अच्छी हो वो डॉग्स के लिए भी अच्छी हो, जैसे हम जो डॉग्स के लिए अच्छा है हम वो नहीं खा लेते, तो वो वाइस वर्सा भी हमें नहीं करना चाहिए। एक और गाय या बैल मुझे नहीं पता, जिसको मैंने उस दिन उठवाने में भी मैं आप लोगों के साथ बाई चांस लग गया था, और उसका मैं देख रहा था वीडियो कि वो कोई जो लोग थे मत्था वगैरह टेक रहे थे, वो कहाँ है? सर एक्चुअली वो गाय थी और उसको तो हम नहीं बचा पाए क्योंकि एक तो उसका एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ था, उसके जो सामने वाली पैर का नीचे वाला पोर्शन था वो बहुत बुरी तरह से। अब लाए क्यों, हम तो खड़ी मतलब बैठी हुई गाय लाते नहीं ना सर। वो खड़ी हो रही थी लेकिन क्योंकि एक सेकेंड सॉरी, हम बैठी हुई गाय बैल हम इसलिए नहीं लाते क्योंकि उनको बचाने में तो हमारा सक्सेस रेट 0 है, तो यहाँ ला के फिर उनकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना एक और प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ये हमें प्राइवेटली करना पड़ता है, इसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी सपोर्ट नहीं मिलती। एक तो उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, वो 12 से 13 साल की थी, ऊपर से उसका बहुत ज़्यादा शरीर में चोट भी आई हुई थी और उसका जो पैर टूटा था ना उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन था जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। सर पेन से डेथ हुई या ब्लीडिंग से डेथ हुई? नहीं ब्लीडिंग से नहीं हुई मेरे हिसाब से, तो एज हाँ स्ट्रेस पेन यही हो सकता है। पर जैसे हम पेन किलर्स पे रखते हैं सर, हमने आते ही उसको दिया हुआ था, लेकिन एक होता है ना उसकी उम्र भी इतनी ज़्यादा थी और मुझे नहीं पता शायद इंटरनल भी उसको कोई डैमेज हो, तो उसके लोग मतलब एकदम पूजा वगैरह ऐसे क्यों कर रहे थे पता नहीं सर। क्योंकि जब हमें जब कॉल आई थी तो हमें बहुत कॉल आई, हमने बोला कि हम भेज रहे क्योंकि एक टाइम पे हमें 2 कॉल आई थी और दोनों अलग अलग एरिया के थे, तो चलो दूसरे वालों ने तो मान लिया कि ठीक है मैम हम वेट कर लेंगे हम हैं यहीं पे। यहाँ से मुझे बहुत बार कॉल आई और लोग थोड़े से वैसे हो रहे थे कि आप लोग अलग अलग लोगों से बात करा रहे हैं, आप लोग निकले नहीं अभी तक, यहाँ पर एक गाय है ऐसा ऐसा उसको हुआ है, आप ट्रीटमेंट करिए मैं मेडिकल टीम से बात कर रहा हूँ। मैंने यही बोला उनको, सर आप मेडिकल टीम से आप उसको पहले जो फर्स्ट एड आप हमको प्रोवाइड करने बोल रहे हैं, जब तक हम पहुंचेंगे आप वो खुद मेडिकल अच्छा हाँ तो मैंने उनको यही बोला आप वो करिए है ना, तब तक मैं गाड़ी भेज रही हूँ। ऐसा नहीं है ना कि गाड़ी बस एवर रेडी गेट पे खड़ी होती है, सामान रखना होता है, मैट रखने पड़ेंगे, चीज़ें रखनी पड़ेंगी, भेजना पड़ेगा स्टाफ, 5-10 मिनट तो चाहिए हमें भी, उसके बाद हमने भेजा और वहाँ पर कोई फिर उठाने के लिए कोई नहीं था। वो गाय थी भी बड़ी और कॉल मुझे आए थे 25 उठाने के लिए, कोई नहीं। लोगों की जो गाय के प्रति श्रद्धा है उसको तो मेरा नमन है भाई, अच्छी बात है कि आप गाय के आगे मत्था टेक रहे हैं, पर अगर जब गाय मरती हालत में है उस समय मत्था टेकने का गाय को क्या फ़ायदा? अगर आपको गौ सेवा करनी है तो भाई जाओ यू नो गौशाला में जाओ, वहाँ फीडिंग करो, कोई इंजर्ड गाय दिख रही है फर्स्ट एड करो, उसको रेस्क्यू करो, यहाँ ले कर आओ और कुछ नहीं कर सकते, समय नहीं है तो भाई दूध ही छोड़ लो, क्योंकि गाय मर तो दूध के लिए रही है, बूढ़ी गाय और बछड़े ही तो सड़क पे आके मरते हैं। ये जो भाई साहब बड़ी देर से अपने सींग मार मार के अटेंशन ले रहे हैं, इसके भी पीछे वुंड थोड़ा दूर से ना पीछे से लात भी मारता हो तो इसका तो आपने ऐसे
क्या ये लेप हल्दी का? हल्दी, हल्दी, क्योंकि क्या है पट्टी करने से वो पट्टी उतर जा रही है क्योंकि पूंछ का मूवमेंट काफी ऐसे, और दूसरा अगर इसको ओपन रख रहे ऑइंटमेंट लगा के तब भी चिड़िया आके उस पर चोंच मार रही है। तो इसमें हमने इसको ऐसे क्ले जैसी जो इसकी पेस्ट बनाई है इसमें आलो मिलाया है? नहीं नहीं सर, इस बार तो हमने इसमें शुगर सिरप मिलाया हुआ है। शुगर जो है पैथोजेंस को ग्रो नहीं होने देती, जैसे आप देखेंगे जो प्रिजर्व्स हैं, जैम्स हैं, उसमें भी इसीलिए इतनी सारी शुगर लगती है। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर मुझे नहीं याद 1 या 2 वहाँ पे जैसे वुंड में कुछ भी नहीं है आपको ट्रीट करने के लिए, तो शुगर से भी ट्रीट किए जा सकते हैं। एक और गाय आई है ना सफेद सी, जी जी ये, इसको तो त्रियुंजा मिल से रेस्क्यू किया था सर। इस समय तो हमारे जो भी गाय बैल घोड़े आ रहे हैं आप देखोगे सबकी हड्डियां निकली हुई हैं, क्योंकि इस समय हरे चारे की बिल्कुल अवेलेबिलिटी नहीं है, हमें ही दिक्कत होती है। हम तो साइलेज खरीद लेते हैं फिर भी, पर अब ये जो बेसहारा पशु है ये क्या खाएंगे? सॉरी, इसके पीछे वाले हिस्से में ना 2 जगह बहुत बड़े बड़े वुंड थे। पहले दिन तो जब हम इसको लेने गए उस टाइम पे मांस के टुकड़े भी निकले हुए थे और ब्लीडिंग कुछ ज्यादा ही थी। अभी तो क्लीनिंग अच्छे से हो चुकी है। फर्स्ट डे तो हमने फोर्सफुली वाटर से उसको क्लीन किया ताकि उसकी सूजन भी कम हो, दर्द भी कम हो, जैसे हम चिंगारी के लिए भी करते हैं फोर्सफुली पानी से, लाइक पाइप से। पाइप से, हाँ सर। ये तो मेरे को, मैंने नहीं सुना मेथड पहले, ये आप लोगों ने कब अडॉप्ट किया? हमको डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, डॉक्टर अरविंद जो शाहपुर में है, उन्होंने इसके लिए भी थानोस के लिए भी हमें वही सजेस्ट किया था ताकि क्लीनिंग अच्छी हो इसकी। जो हमारी चिंगारी है उसकी सूजन बड़ी ज्यादा थी, 4-5 दिन में इतनी कम हो गई सूजन सिर्फ प्रेशर से पानी मार। तो मतलब अगर बड़ा ज्यादा नेक्रोसिस हो रखा है, डेड फ्लैश है, तो आप प्रेशर वाली पाइप से कर सकते हैं और आपको रिजल्ट्स आए हैं कि उससे सूजन तक कम हो जाती है, फ्लश हो जाता है बेसिकली अच्छे से। इसके अलावा हाँ वो स्किन वाला केस जो शुरू से छूट रहा है, और यहाँ आके ना थोड़ा डर ही लगता है, ये चूचू का एरिया है। नहीं आएगा गुरु, गुरु नहीं आएगा, आ जाओ गुरु, कम ऑन मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरते क्यों? बिंद्रेश भी है, बिंद्रेश तो चूचू को देख लियो यार प्लीज, चूचू चूचू दादा। हे इसका तो एक भी बाल नहीं है। नहीं है सर। और ये इतना बित्ती भर का, ये अग्रेसिव है बहुत। पता है ये इसके लिए जब हमें पहली बार कॉल आई थी ये किसी खंडर जैसे इलाके में था और वो वहाँ पे भी बहुत ही कचरा था, और जब हमने उनको बोला कि ठीक है आप ढूंढ के रखिए हम भेज देंगे जब भी मिले डॉग, तो वो 2-3 दिन बेचारे वो लगातार गए जो इसके इन्फॉर्मर थे, लेकिन वो डॉग मिला नहीं। जब उनको अगली बार मिला तो वो खुद उठाकर इसे लाने लगे। फिर उन्होंने फ़ोन भी किया कि मैम डॉग काट रहा है। मैंने बोला आप छोड़ दो हम आ रहे हैं, लेकिन वो आधे रास्ते उठाकर ले आए, और ऐसे में क्या वो आधे रास्ते में छूट गया एयरपोर्ट के पास, वो रोड में साइड में कूद गया या क्या हुआ पता नहीं। तो उन्होंने वेट किया वहाँ हमारा डॉग को नज़र में रखे हुए, हम भी तुरंत उसको रेस्क्यू करने गए, और फिर वहाँ से फिर झाड़ी के बीच में जाके नवीन और रविंदर जी ने इसको ग्लव्स से पकड़ा है ना इसको। छोटा पिग्गी का बच्चा लग रहा है, बहुत बहुत ज्यादा अग्रेसिव है ना ये। रैबिट नहीं है? नहीं नहीं, क्योंकि खाना वाना खा रहा है। हमने फिर भी सारे प्रिकॉशंस हमने अपनी तरफ से लिए हैं, ARV भी इसको लग चुका है, क्योंकि बिहेवियर वाइज हमें पहले से ही ये चीज़ करनी पड़ी, नहीं तो हम थोड़ा दिन रुकते हैं कि डॉग स्टेबल हो कंडीशन वाइज, लेकिन इसमें तो हमें करना पड़ा इसके लिए। बाकी फूड खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको आपने वो लिया है, स्किन स्क्रेप लिया है? हाँ सर लिया होगा, अभी तो मेरी तो कल छुट्टी थी तो मैं बता। ठीक है, तो ये हम आपको कल बताएंगे।